अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी विवस, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी ठंडी मीठी सी ईद के मौके पे जो डिश है, ये है जी लाहौरी फालूदा। बहुत ही आसान, ज़बरदस्त सा और बहुत ही टेस्टफुल। गर्मियों की ईद में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने मेहमानों को सर्व करने के लिए। अगर आप दाद पाना चाहते हैं तो मेरे तरीके को फॉलो करते हुए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये है कि इतनी मकदार में बहुत ज़्यादा हमारे पास बन जाता है, यानी खूब खूब बच्चे, फैमिली और आने जाने वाले, मिलने जुलने वालों को भी आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी के, मैंने ये कैसे बनाया फलूदा। ईद का मौका हो और कुछ मीठा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरे घर में हर ईद पे माशाल्लाह या तो फालूदा बनता है और या फिर खीर बनती है। आज मैंने फिर से फालूदा के लिए, मैंने कहा आपके साथ भी मैं ये रेसिपी फिर से दोबारा से शेयर कर दूं। फालूदे के लिए मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन ये दूध मेरा है 6 लीटर, जिसके नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है और दूध उबलते ही हम इसको आंच को धीमा कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता दूध को हम सुखाएंगे, यानी तकरीबन ये हाफ रह जाएगा। और जैसे ही इसमें बॉयल आता है और थोड़ा सा ये ड्राई की तरफ जाता है, यानी थिक होता है, तो इसमें क्या डालना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो मैं साथ साथ बताती हूँ आपको। दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है, देखें आपके सामने है। तो तकरीबन हमने दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है और सर पे इसको खड़ा होने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, यानी कंटिन्यूसली हमने चम्मच इसमें नहीं चलाना, बस आते जाते आपने इसमें चम्मच चलाना है। क्योंकि दूध अगर लगना होता है तो वो बॉयल होने से पहले लगता है, तो बॉयल होने तक हमने इसमें चम्मच चलाया मुसलसल, ताकि दूध नीचे ना बैठे, नीचे ना लगे। तो उसके बाद जब दूध को बॉयल आ जाता है तो फिर दूध के नीचे लगने के चांस नहीं होते, बस आते जाते हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि आधा दूध रिड्यूस ना हो जाए पक पक के। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ, जब ये दूध मेरा तकरीबन आधा सूख जाएगा और आधा रह जाएगा तो इसके बाद हमने क्या करना है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। हल्की आंच पे दूध को करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो आपके सामने है कि आधा तकरीबन इससे रिड्यूस हो गया, यानी आधा दूध ड्राई हो गया, सूख गया, और दूध की शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑफ वाइट इसकी शक्ल होगी है, जैसे कि दूध को कड़ कड़ के हो जाता है। तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त, यानी एक रबड़ी टाइप का दूध हमारे पास तैयार हो जाता है और इसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है, देखें ऑफ वाइट हो गया। तो इस स्टेज पे मैं इसमें 7 से 8 अदद इलायची के सीड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो ये सीड्स मोटे मोटे कूट के ये डाल देते हैं। इसकी खुशबू ट्रेडिशनली जो होती है वो इलायची ही की होती है। और इसी के साथ तकरीबन 150 ग्राम ड्राई मिल्क ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी शॉप है जिससे खोया अच्छा और फ्रेश मिलता हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ही ड्राई मिल्क यूज़ करती हूँ क्योंकि हर जगह अवेलेबल होता है। तो ये डाल देते हैं और साथ साथ इसको मिक्स कर लेते हैं, तो ये तकरीबन हमारा खोया टाइप का हो जाएगा। तो इसको मुसलसल हिलाते हुए मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें गुटलियाँ ना बन पाएँ, गुटलियाँ वैसे सूखे दूध की बनती नहीं है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा और बॉयल होने का वेट करते हैं, यानी दूध आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यानी ड्राई मिल्क जो हमने डाला है और इलायची जो हमने डाली है इसकी भी खुशबू इसमें आ जाए। तो इसके बाद हम इसमें चीनी डालते हैं, तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसमें चीनी डालती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। ड्राई मिल्क जो था हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया, तो इसी स्टेज पे हमने चीनी डालनी है। चीनी में ये जो नॉर्मल कप होता है चाय वाला घर में, ये मैं 2 कप भर के इसमें चीनी डालूंगी क्योंकि मीठा हमें इसमें ज़्यादा चाहिए।
क्योंकि आपको पता है कि ठंडी चीज जो भी यूज करे तो उसमें मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि आइसक्रीम और फलूदा में मीठा ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और वैसे भी जो इसकी सेवइयां हमने फलूदे की बनानी है तो वो बिल्कुल फीकी होती है, तो इसलिए हमने इसमें ज्यादा चीनी इस्तेमाल करनी है। तो एक कप के बाद मैं एक और कप इसमें चीनी डाल लेती हूँ, दूसरा कप चीनी ये भी डाल देती हूँ। अगर इसके बाद भी मुझे चीनी की जरूरत पड़ी, यानी जैसे देखा जाए तो हमारे पास दूध अब जो इस वक्त मौजूद है तकरीबन ये 4 लीटर के करीब दूध हमारा बच गया है, यानी 2 लीटर के करीब दूध हमारा रिड्यूस हो गया है, सूख गया है। दूध हमें इस तरह का ही गाढ़ा चाहिए। और मजीद हमने इसको फलूदा लुक देने के लिए क्या इस्तेमाल करना है तो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा चीनी डिजॉल्व हो जाए तो। लास्ट में मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर 1 ग्लास पानी में इसको मिक्स कर लिया है, यानी इस तरह डिजॉल्व कर लिया है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से डालते हुए साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि हमारी रबड़ी थिक सी बन जाए। तो इस तरह आप डाल के मुसलसल इसको चलाते जाए, चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप चम्मच चलाएंगे नहीं तो इसमें में गुठलियाँ बनने का अंदेशा होता है। तो देखें इस तरह इसको पकाते हुए हम थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे, ये खुद ब खुद ही गाढ़ा सा हो जाएगा। तो मुकम्मल एक रबड़ी या फलूदा की बेस जो होती है वो हमारे पास तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ना हमें खोया इस्तेमाल करना पड़ा है, ना ही किसी किस्म का और कोई चीज़ हमें इस्तेमाल करनी पड़ी है। सिर्फ 3 चीज़ों से हम ज़बरदस्त सा फालूदा घर में बहुत ही आसानी से बच्चों को खुश करने के लिए ईद के मौके पे एक ज़बरदस्त शानदार और लग्जरी सा फालूदा घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। साइडों पे जो दूध सूख जाता है उसको ज़रूर आप स्क्रैच कर करके इसके अंदर डालते जाएं। एक तो इससे कलर भी खूबसूरत होगा और दूसरा ये है कि दूध हमारा वेस्ट नहीं होगा, यानी जो साथ ही लगा रह जाएगा तो वो समझ लें कि मुसलसल पकने से तो वो ज़ाया हो जाता है। हमने किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना। तो मज़ीद सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको पका लेती हूँ ताकि थिकनेस की तरफ आ जाए जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है थिक होने के लिए। तो जैसे ही इसमें बॉयल आता है और ये पक जाता है 2 मिनट के लिए तो मैं दिखाती हूँ आपको। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, तो बस हमें इतना ही इसको पकाना था, यानी कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो होता है वो दूर करना था। और ये देखें कि माशाल्लाह थिक हो गया है हमारा फालूदा, और रूम टेम्परेचर पे जब आएगा तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस अब फ्लेम को बंद करती हूँ और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे लेके आती हूँ। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद हमने इसके क्या करना है तो मैं दिखाती हूँ आपको। फालूदे को रूम टेम्परेचर पे छोड़े हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं इसको ठंडा होने में, इतना टाइम लगता है यानी रूम टेम्परेचर पे। तो माशाल्लाह इसका टेक्सचर देख लें कि रबड़ी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। तो घर में तैयार करने का ये फ़ायदा है कि जी भर के खाएं, मेहमान नवाजी करें। तो इसको मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ फ्रीज, हमने इसको आधे को फ्रीज करना है और आधे को हम फ्रिज में ही रखेंगे क्योंकि हम जब सर्व करेंगे तो वो कुल्फे का टेक्सचर कैसे आएगा या उसका टेस्ट कैसे आएगा, इसलिए मैं इसको दूसरे बर्तन में आधे को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको, फलूदे के बैटर को मैंने बर्तनों में ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी एक को हमने फ्रीज़ करना है। मैं इसको फ्रीज़ करूँगी और इसको फ्रिज में रखूँगी। मिकदार में देखा जाए तो ये भी 4 लीटर का बॉल है और ये भी 4 लीटर का बॉल है, तकरीबन हमारे पास 8 लीटर फलूदा बन के तैयार हुआ है। मेरे तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपने फैमिली को पेट भर के जी भर के खिला सकते हैं जितना उनका जी चाहे, या मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैं ढक्कन लगा के फ्रीज़र में रख देती हूँ और बाकी वाले को मैं ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूँगी। तो जब ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा तो फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तो मैं रखती हूँ इसको फ्रीज़र में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। फालूदे की सेवइयां बनाने के लिए एक मग मैंने कॉर्नफ्लोर, आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, तो ये पतीली में डाल दूंगी और इसका डबल मैंने पानी डाला है, यानी अगर आप एक कप छोटा वाला भी लेते हैं
तो उसका डबल पानी यानी 2 कप पानी हमने डालना है। तो कॉर्नफ्लोर सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें 2 ग्लास ये वाले 2 मग भर के मैं पानी के डालती हूँ। पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून चीनी ये डाल देते हैं। अगर आप डालना चाहे तो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो भी समयों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्च को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी ये पानी में ये देखे नीचे बैठ जाती है। तो इसको हमने अच्छी तरह से किसी भी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और इसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसको मिक्स करूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर हमारा पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यानी जो नीचे बैठ जाता है वो अगर बैठा रहा तो गुठलियाँ बन जाएंगी जो किसी भी तौर पे ठीक नहीं हो सकती। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम को ऑन कर लिया, अब हमने मुसलसल चम्मच चलाता रहना है जब तक के ये पक ना जाए। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे तह में बैठ के गुठलियाँ उसकी बन जाएंगी जो किसी भी सूरत डिजॉल्व नहीं होंगी। तो इसलिए हमने इसमें जब तक के ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तो मुसलसल हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे बॉयल आने में। पानी में जब तक बॉयल नहीं आता और इसकी शक्ल ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो तब तक हमने मुसलसल चम्मच चलाना है। देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही पकने से हार्ड होना शुरू हो गया, यानी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। तो समझ लें कि आपके फलूदे की सेवइयों का बैटर तैयार हो गया। अभी ज़रा दूधिया है तो हमने इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जब तक नहीं होता तब तक हमने इसमें चम्मच चलाना है। इस टाइम पे चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर आपने जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है, चम्मच को आपने नहीं छोड़ना ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। हार्ड हो जाता है तो इसकी वजह से चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर नामुमकिन नहीं है। तो इसी तरह करते हुए जब तक के ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तो मैं इसको घुमाती रहूँगी, चम्मच चलाती रहूँगी ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा सेवइयों का बैटर हमारे पास तैयार हो जाए। तो सलसल चम्मच चलाते हुए देखे बिल्कुल जो फालूदे की सेवइयों का बैटर हमें चाहिए था तो इस तरह का ट्रांसपेरेंट जब तक ना हो जाए तो तब तक ये तैयार नहीं होता। दूधिया आप कभी भी ना करें। तो इसको बस फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ, और इससे पहले आपने एक पतीली में ठंडा पानी यानी चिल्ड पानी रखना है बर्फ डाल के, जिसमें हम ये सेवइयों का बैटर निकालेंगे। तो चले इसको मैं ट्रांसफर करती हूँ सांचे में जिससे मैं सेवइयां निकालूंगी। पतीली में हमने चिल पानी लेना है, यानी ये देखे बर्फ आपको नजर आ रही होगी। तो मैं ये सांचा यूज कर रही हूँ, मेरे पास ये तकरीबन 30 ईयर पहले मैंने ये सांचा फलूदा के लिए तैयार करवाया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था अच्छी अच्छी चीजें बनाने का। तो इस बैटर को मैं इस सारे सांचे में ट्रांसफर कर देती हूँ एक ही टाइम में सारे का सारा। सांचे में मैंने बैटर अपना सारा डाल दिया है, तो बस इसका ये जो बीच वाला पार्ट है इससे हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसको दबाते हुए नीचे कन्वर्ट कर देना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हमने दबाना है इसको। सेवइयों का बैटर सारा पानी में ट्रांसफर हो गया है, तो देखे सेवइयां आपको नजर आ रही होंगी। अभी हमने इसको 10 मिनट तक यूं ही रहने देना है ताकि सेट हो जाए सेवइयां। तो देखे कितनी शानदार और कितने ही आसानी से हमारे फालूदे की सेवइयां बन जाती है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही बन जाती है। तो इसको अभी मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसी पानी में ठंडे चिल पानी में ही छोड़ूंगी। फालूदे को सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सेवइयां बनाई हैं, देखे माशाल्लाह कितनी ही शानदार और लंबी लंबी सी सेवइयां हमारी बनी है। बाजार से बहुत बेहतर हमारी सेवइयां माशाल्लाह तैयार हुई हैं। तो सर्व करते वक्त पहले सबसे पहले इसमें सेवइयां डालें ग्लास में या जिस भी बर्तन में आप सर्व कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने थोड़ी सेवइयां डालनी है। तुख मलंगा जो मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था, ये भी बहुत इसकी तासीर भी बहुत अच्छी होती है और मज़े का भी लगता है, तो थोड़ा हम ये डाल देते हैं। फलूदा जो हमने फ्रिज में रखा था तो उसका जो लिक्विड पार्ट है
यानी थिक सा रबड़ी जो बनी हुई है, तो पहले मैं ये डालूंगी, फिर हम सेवइयां थोड़ी सी फिर डाल देते हैं इसमें, यानी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तो स्टेज पे यानी सेवइयां फिर से डालने के बाद अगर आपके पास जामे शीरी है, रूह अफजा है, तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो है स्ट्रॉबेरी सिरप है, तो मैं ये डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी अच्छी सी सॉस या अच्छा सा आपके पास शरबत है तो आप वो डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें जो पार्ट हमने फ्रीज किया हुआ फलूदा वो ऊपर सबसे टॉप पे ये डाल देते हैं। दोनों ग्लास में सबसे टॉप पे आप ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़े से बादाम हैं तो मैं ये डाल रही हूँ, और इसी के साथ थोड़ा सा सिरप खूबसूरती के लिए और हम डाल सकते हैं ऊपर। अगर ना भी डालें तो भी ये ट्रेडिशनली बहुत ही ज़बरदस्त खाने में और खुशबूदार सा फलूदा, लाहौरी फलूदा आप घर में ईद के मौके पे स्पेशल जो होता है मीठा वो तैयार कर सकते हैं। मैं ईद के मौके पे या तो फलूदा बनाती हूँ या फिर खीर बनाती हूँ। मेरी फैमिली खीर और फलूदा पसंद करते हैं, तो आप अगर खीर बनाना चाहें तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उम्मीद है मेरे टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये था मेरा आज का फलूदा बनाने की रेसिपी। उम्मीद है मेरे टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो जो नए आने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ेदार सी डिश आपके पास पहुंच सके बर वक्त। तो उम्मीद है मेरी आज की ये डिश आप ज़रूर पसंद करेंगे, यानी ये ठंडा मीठा ईद के मौके पे एक लाजवाब सा मीठा आप ज़रूर बनाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।